प्रोडक्शन ऑफ ईएम वेव्स, ईएम वेव को कैसे जनरेट किया जाता है। तो ईएम वेव्स के अंदर वो ये बता रहा है कि अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इफ चार्ज इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट चेंज विद टाइम, तो ईएम वेव जनरेट नहीं होगी। और अगर चार्ज नॉन जीरो एक्सेलरेशन से मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। इसीलिए मैंने कहा था कि एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस ईएम वेव। क्लियर है यहाँ तक? तो नेक्स्ट है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव। जब हम बोलते हैं ईएम वेव की ट्रांसवर्स नेचर है, इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेव प्रोपगेशन, आपस में एंगल क्या होगा 90, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव। क्लियर है? तो जब तीनों के तीनों 90 डिग्री पे होंगे, ई बी और वेव प्रोपगेशन, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव। क्लियर है यहाँ तक?